मीडिया में एक खबर आई है, उसमें प्रताप सिंह खातरियावास से आरोप लगा रहे हैं ईडी का उस पे। ये प्रताप सिंह जी पे नहीं है, 80 वर्ष के ही अशोक गहलोत साहब के भाई हैं, उनके भी पड़ गया, अशोक गहलोत साहब के बेटे के भी पड़ गया। अशोक गहलोत साहब की टीम के जो जुझारू जैसे धर्मेंद्र राठौड़ हैं, वो बंसल साहब हैं, उन सब के पड़ा है, प्रताप सिंह के भी पड़ेगा और नेताओं के भी पड़ेगा। मैं तो कहना चाहता हूं, जो सरकार चुन करके आती है, जो हम लोग ग्रामीण लोग जिस सरकार को चुन करके भेजते हैं, उनको ऐसे कुचलना केंद्र सरकार के हित की बात नहीं है। ये केंद्र सरकार के लिए आगामी आने वाले चुनाव में नुकसानदायक होगा। किसी को ईडी से कुचल रहे हैं, किसी को इनकम टैक्स से कुचल रहे हैं, किसी को सीबीआई से कुचल रहे हैं। ये इस देश, भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत के अंदर हर धर्म का व्यक्ति विराजमान है। ये ऐसा काम यहाँ नहीं होना चाहिए।